ॐ नमो भगवते धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Sorry, I thought I'm smoking in smoking area. Suraksha ka sardar tu o mere bandhu, o mere bandhu. Suraksha ka sardar tu o mere bandhu, rakshak bhi tum hi ho. Rochak ye ehsaas hai, vipattiyan kabhi na ho, sadma na ho kabhi. रिश्ते नाते न खोए, अनमोल है ये जिंदगी। रक्षा अपनी जिम्मेदारी। सुरक्षा का सरदार तू ओ मेरे बंधु। हमारी जरूरत सुरक्षा, सुरक्षा हमारी जरूरत। सेफ्टी सुरक्षा, सेफ्टी सुरक्षा, सेफ्टी सुरक्षा। सुरक्षा के नियमों का पालन ही धर्म है, पालन अगर ना करे तो दुख दर्द हम झेलते हैं। सुरक्षा के नियमों का पालन ही धर्म है, पालन अगर ना करे तो दुख दर्द हम झेलते हैं। रक्षा अपनी जिम्मेदारी। ना तोड़ो तुम नियमों को और रहो सावधान, सुरक्षा की जागरूकता देगी तुम्हें सफलता। रक्षा अपनी जिम्मेदारी। सुरक्षा का सरदार तू ओ मेरे बंधु। कसम ले रक्षा की हम पैदा करे जागरूकता, सुरक्षा का ये है मंत्र अनुपालन करना।
कसम ले रक्षा की हम पैदा करें जागरूकता, सुरक्षा का ये है मंत्र अनुपालन करना। रक्षा अपनी जिम्मेदारी, रक्षा अपनी जिम्मेदारी, रक्षा अपनी जिम्मेदारी, रक्षा अपनी जिम्मेदारी। बहुत हुए ये दुख और दर्द, अब चाहे खुशियाँ, लक्ष्य को हम जीतेंगे वादा ये करते हैं। रक्षा अपनी जिम्मेदारी, रक्षा अपनी जिम्मेदारी, रक्षा अपनी जिम्मेदारी, रक्षा अपनी जिम्मेदारी। सुरक्षा का सरदार तू ओ मेरे बंधु, ओ मेरे बंधु। द व्हील ऑफ अनसेफ, इस बार कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इस बार सब कुछ एकदम पक्का है। जाओ जाओ जाओ। वेयर योर हेलमेट। Hello. Hello. Is it Gauri? Yeah. Hi Gauri. Can you recognize my voice? Hey Sarla. USA se kab aayi tum? Oh my God. After so many years, tumne meri aawaz ko pehchan kar mujhe Sarla kehkar pukara. You are really great. Main India mein hi hu. I want to come and meet you. Hey, kya bol rahi ho? Tum India mein ho, USA mein nahi. Kabhi bhi aa jao yaar.
अभी आ रही हूँ। बाय बाय। सरला। हाय गौरी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? कितने साल हुए तुमसे मिलकर। तुम बहुत सुंदर लग रही हो गौरी, नजर उतार लेना, आज कुछ खास बात है क्या? आओ बताती हूँ। हाँ बताओ, आज क्या खास बात है? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बन गई? अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुमने कहा तो मैरिज एनिवर्सरी है पर तुम्हारे हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहे। वो बाहर गए हैं। तुम भी चलो ना, उनसे मिलकर मंदिर चलते हैं। तुमसे मिलकर बातें करने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लाई थी ना वो देना ही भूल गई। देखो यूएसए से तुम्हारे लिए मैंने ये बुक्स लाई। तुम कुछ और देती तो मैं उसकी कीमत बता देती, लेकिन इन किताबों का कोई कीमत नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। थैंक यू। यू आर वेलकम गौरी। चलो अब हम चले। और बताओ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है? आई मीन हाउ इज योर मैरिड लाइफ? सॉरी जान, आज भी लेट हो गया। आई एम वेरी सॉरी। Wow! Gauri, what a lucky lady you are! अरे हम तो मंदिर जा रहे थे, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? उतरो बताती हूँ। गौरी, मैरिज एनिवर्सरी कहा था ना तुमने मुझसे, फिर ऐसे जैकेट क्यों लेके आई? हाँ बताती हूँ। देखो
यही तुम्हारी गौरी का लक है। Good morning. Good morning. Today, we have called a meeting for a safety review. We are not following any safety rules. We are violating all safety norms. What do you mean? Yes, sir. Supervisors khud suraksha nirdesh nahi maan rahe. We are not leading by example. Don't give me this philosophy. Give me facts. Yes, sir. I can give you the data. There are 3 fatal accidents. We have lost 3 of our colleagues. There are more than 100 near-miss incidents. 99% of the PPEs are violated. Personal protective equipments are violated. By whom? All of our fellow colleagues. Don't threaten our people by saying all these. Don't mislead people. Yes, 3 of our employees died. They were not killed. ये तुम्हारे अपने मर्जी के हिसाब से कुछ कारण बताकर फिलॉसफी झाड़ने का जगह नहीं है। इस तरह के भाषण अगर झाड़ने हैं तो उसके लिए मैं फिलॉसफी का प्लेटफॉर्म अलग से देता हूं तुम्हें। वहां बोल देना। 3 people who died in our factory died due to accidental reasons and not because of unsafe conditions. Our factory is a safe place. We are following all the safety procedures. Sir, you are the production head. You are the father of this organization. You decide, sir, whether you want to be a part of safety or of unsafe conditions. Your message on safety either saves 100 lives or kills 1,000 families. You decide where you want to be. What are you saying? Are you trying to throw guilt on me because some accident happened? क्या बोल रहे हो तुम? Enough. I'm closing this meeting. Come and meet me personally for a one-to-one meeting, okay? Good.
क्या भूत? सीना? अरे क्या यहाँ भूत है? भूत है? हाँ, मैंने जब मैनेजमेंट से कहा कि भूत है तो किसी ने परवाही नहीं की। अरे हाँ हाँ, इससे पहले किसी की यहाँ मौत हो गई, पता है ना तुम्हें? सही कहा। चलो चलो, मैनेजमेंट से ये बात कहते हैं। चलो चलो हाँ, चलो उठो संभल कर। हाँ उठ जाओ। हाँ क्यों भाई सिन्हा, क्या हुआ? भूत है सर, भूत। भूत है? कहाँ? आइए सर, मैं दिखाता हूँ। भूत यहाँ है सर, देखिए। भूत ही है ना? हाँ सर। ये लो, ग्लव्स पहन लो। और ये हेलमेट भी पहन लो। सिन्हा, सेफ्टी शूज कहाँ हैं? वहां है सर। जाके पहन के आओ। यस, नाउ यू आर प्रोटेक्टेड। है ना, वो भूत नहीं था, इट वॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। दैट टाइम यू वेर अनप्रोटेक्टेड। सेफ्टी शूज पहन लो। मिस्टर विश्वा। यस सर। आई अपॉइंटेड यू एज सेफ्टी ऑफिसर फॉर इंस्पेक्शन एंड यू हैव लेट मी डाउन। आई डैम केयर अबाउट इट। यू हैव सीन द न्यू प्लान्स फॉर द फैक्ट्री, यू हैव सीन द फैक्ट्री बिल्डिंग। आई वॉन्ट यू टू गिव मी द सेफ्टी क्लियरेंस फॉर दिस बिल्डिंग। I want this building to be inaugurated and running in 1 month. This factory can accommodate 100 workers. I want it to be up and running by 1 month. That is not possible, sir. I am not going to sign the safety clearance. What are you talking? Are you born in this country? Don't you live in India? Haven't you seen the houses that you have? Do you have an emergency exit in your house? Have you seen an emergency exit in any of the residences in this country? I have a plan that is an emergency exit. I want you to sign the safety clearance for this factory. I will have this factory inaugurated next month. No, sir. That is not possible. At the beginning of the construction itself, it was clearly told to have an emergency exit for the factory. But no one took it seriously. Now, I am not signing the safety clearance. You're not going to sign the safety clearance? No. Do you know the consequences? You will lose your job. Job? I don't give a damn about my job. I care about the 100 employees who are working in our company and their families who are waiting at their homes. I'm not going to sign the safety clearance. You will not sign the safety clearance? No. I will sign the safety clearance myself. I will sign the papers that declares this factory is safe for working. I will have this factory inaugurated and running by the end of this month. You can get out. Get lost from my office. I'll see that the company doesn't start. Get out. Thank you.
What is this, mister? ये तुम क्या कर रहे हो? गैंगवे में ओपन बैटरीज के साथ काम कर रहे हो? मैंने बार-बार सबको बताया है कि इस बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है. Despite that, you have kept these batteries in the passage. अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? Tell me, who is responsible? मैं तब से कहे जा रहा हूं लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है. सेफ्टी के बारे में कोई कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? मैंने बार बार बताया है कि इस फैक्ट्री में एक इमरजेंसी एग्जिट चाहिए लेकिन कोई सुनता ही नहीं है. After you're finished here, yes sir, come and meet me later. Okay sir. Who is responsible for employee safety? Tell me. तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे अपनी सेफ्टी के बारे में मत सिखाओ. मुझे अच्छी तरह से पता है क्या करना है. तुम जाओ और अपना काम देखो. दिखाई नहीं देता है क्या? आगे बढ़ो. ये पूछने वाले तुम कौन हो? अबे गधे, look at the ambulance there. Sorry sir, sorry. क्यों बेटी? क्या आपको अक्ल नहीं है? हेलमेट पहने बिना गाड़ी क्यों चला रही हैं आप? स्वर्ग पहुंचने की जल्दी पड़ी है क्या? एम्बुलेंस दिखता नहीं है आपको? जाने कहां से आ जाते हैं. चलिए जाइए. मुर्दाबाद मैनेजमेंट मुर्दाबाद सुरक्षा की परवाह ना करने वाले मैनेजमेंट मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 मैनेजमेंट मुर्दाबाद.
मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज एक कठिन परिस्थिति में असहाय होकर आपके सामने खड़ा हूं। मुझे पता नहीं कहां से आरंभ करना है और क्या कहना है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। आप लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं कुछ भी करने की परिस्थिति में नहीं हूं। हमारे बीच एक महिला है जिन्होंने अपना पति खोया है। भाई, बहन, माँ बाप, बहुत से लोग घायल हुए हैं। मैं उन सब से क्षमा चाहता हूं, और इस हादसे में जिन्होंने अपने जान गंवाए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। भगवान उनके परिवार वालों को इस कठिन समय से जूझने की शक्ति दे। ऐसी घटनाओं के लिए बहुत से कारण हैं, लेकिन उनमें से मुख्य कारण कर्मचारियों की लापरवाही है। हमारी कंपनी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है जान गंवाने से। मृतकों के परिवार वालों के लिए हम कुछ वित्तीय सहायता के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सब मिलकर ये निर्णय लिए हैं कि जितना हमसे हो सके उन लोगों को मुआवजा देंगे। नम्रतापूर्वक मैं आपसे इसे स्वीकारने के लिए कहता हूं। कृपया मुझे गलत न समझे और आप लोग अपना गुस्सा थूक दें, दया करके इस भरपाई को स्वीकार कीजिए। इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी है। दया करके इस मुआवजा को स्वीकार कीजिए। आपको शर्म नहीं आती? आप कौन सा मुंह लेकर यहाँ आए हैं? अब इन पैसों की क्या जरूरत है? सिर्फ आप और आपके परिवार वाले सुरक्षित रहना ही काफी है क्या? आप कौन हो? आपकी वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई। देखिए, अगर आप मेरे भाई को जिंदा नहीं किया ना, तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे कृपया हट जाइए, ऐसा मत कीजिए, शांत हो जाइए। शांत होकर मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप लोग फैसला कर लीजिए कि क्या करना है। अरे आप कौन हो जी? अभी मैं आपसे यही कहने के लिए तो आया हूँ। मुझको जरा सा समय दीजिए, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। बहुत साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह ही बिल्कुल लापरवाह था, सुरक्षा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं बहुत अमीर आदमी था, मेरा एक सुखी परिवार था, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ था। मैं एक राजा की तरह जिंदगी जीता था, लेकिन एक दिन उस दुर्घटना में मैंने अपने पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सबको खो दिया। उस दिन से मैं सुरक्षा को आराध्य देव मानकर प्रतिदिन प्रति क्षण सुरक्षा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। वही मेरी सोच है, वही मेरे बच्चे हैं, वही मेरा भगवान है, वही मेरा परिवार है। आप बस एक बार मौका तो दीजिए, हमारा फैक्ट्री मैनेजर आप सबसे बात करेगा। सर प्लीज, दया करके हकीकत सबको बताइए, सच क्या है उन्हें मालूम होना चाहिए। दोस्तों, आप सब लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं जो कहने वाला हूं, अगर आपको ठीक नहीं लगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मरने से पहले मैं आप सबको कुछ सच बताना चाहता हूं। काफी ट्रेनिंग देने के बाद भी चाहे हम कितना भी कहें, सुरक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता है, चाहे वो कारखाने के अंदर हो या कारखाने के बाहर हो। यह सच है कि हर दिन बहुत सारी मौतें हम देखते हैं। ऐसी बातों ने मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचाया है, और इससे कैसे बच पाएंगे, ये सोच मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा समस्या बन गया। फिर एक दिन अबे दिखता नहीं है क्या, भिड़ा दिया तूने?
अरे जल्दी आओ भैया, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। ये झगड़ा करने का टाइम है क्या? अरे ऑटो में एक बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय तुम झगड़ा कर रहे हो। जल्दी से लेके जाओ उन्हें अस्पताल। ए, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे उसने सडन ब्रेक लगा दिया। गाड़ी ठीक से नहीं चलाते और झगड़ा कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? उन्हें जल्दी अस्पताल लेके जाओ। अरे गलती उसकी है ना, आप मेरे को क्यों बोल रहे हो? अरे बातें करना बंद करो, जल्दी अस्पताल जाओ। उनसे मैंने अपना ये दर्द साझा किया। उस दिन इनके दिए सलाह के कारण ही आज हम सब लोग यहां खड़े हैं। सच्चाई सबको मालूम होना ही चाहिए। सब लोगों को सुरक्षा का अनुभव करना। क्या बोल रहे हो सर आप? अनुभव करने के लिए आपने फैक्ट्री में आग लगा दी? अनुभव करने के लिए आपने इन लोगों को मार दिया? दोस्तों थोड़ा सा सब्र कीजिए, अब से थोड़ी ही देर बाद सच्चाई सबको पता चल जाएगा। जैसे कि आप सोचते हैं यहाँ किसी की भी मौत नहीं हुई है, सब लोग जिंदा हैं। अरे क्या कह रहे हो? हाँ दोस्तों, ये जो कह रहे हैं वो सच है। आज आपने जो सुना और अनुभव किया सब एक नाटक था, इसमें किसी की मौत नहीं हुई है। सुरक्षा को वास्तविक रूप में अनुभव कीजिए। सुरक्षा किसी के लिए भी एक अनाथ बच्चे की तरह नहीं होना चाहिए। सुरक्षा हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और इसी उद्देश्य से हम सब ने इस तरह का एक नाटक रचा। उठिए मेरे दोस्तों, मरे हुए लोग सब उठ जाइए। आपको देखने के लिए आपके माँ बाप भाई बहन सब आए हैं। हे बसवा उठो। बसवा टिम्मा आओ, आप लोग भी आओ। सॉरी साहब, आपने हम सबको सुरक्षा के बारे में एक अच्छा अनुभव दिया है, हमने आपको गलत समझा, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप सबने आज सुरक्षा का अनुभव किया हो तो मैं समझूंगा कि ये नाटक सफल हुआ। सही है ना? आप सबने अपना दुख दर्द गुस्सा सब व्यक्त किया। आप सब लोग इस नाटक का एक बहुत ही मुख्य भाग रहे जो आपको किसी भी ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। आप सबने अपना भाग बखूबी से निभाया। अब बोलिए, क्या आपने सुरक्षा को अच्छी तरह से अनुभव किया? सुरक्षा हम सबका प्रथम कर्तव्य है। सुरक्षा हमारी संस्कृति होनी चाहिए। सुरक्षा सबके लिए है, किसी एक वर्ग के लिए ही नहीं है। सुरक्षा सबके विचारों में होना चाहिए। जिस तरह एक इंसान जो बात करने का तरीका जानता है वो झगड़ा मोल नहीं लेता, जो सही खाना खाता है उसे रोग नहीं होता, उसी तरह सुरक्षा का पालन करने वाला हमेशा दुर्घटनाओं से बचता है। Safety is not guaranteed by good wishes or even good ergonomics alone. It greatly depends on the intention from the top and the undying commitment of each employee to keep the workplace safe. The organizations should make safety as one of their key objectives, as this ensures continuity, motivation, and guarantees growth and sustainability. Safety and safety awareness is universal requirement and all-time global truth. For all developments, safety should be our priority and the first in our own respective working areas. Safety should be
our culture. For all good organization, safety should be the first thing that is to be practiced and before the organization thinks of about its profit and its business. Why safety is important? You know, all the employees that work in the organization should feel that they are working safely, they can get back home safely, and their families can expect that head of the family is coming back to them. It is better to prepare and practice rather than, you know, repair and you have to regret. We all believe that incidents are preventable. Autoliv, as a responsible corporate citizen, drives sustainability programs in the areas of health, environment, education, etc. to positively impact on society at large. We realized one of the pressing needs in India is to create a safety awareness, safety consciousness among children, working class, homemakers and others. As a step in that direction, we sponsored the short movie called Emergency Exit. Safety is first, for that awareness is must. सुरक्षा विकास का चिन्ह है और इसका सावधानी पूर्वक पालन करना हम सबका कर्तव्य है। कारखानों में काम करने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा के बारे में, आरोग्य के बारे में, परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। उनके नियमों और विनियमों का पालन करना बहुत ही मुख्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। सुरक्षा हम सबका प्रथम कर्तव्य है। कर्नाटक राज्य में तकरीबन 17,500 लाइसेंस्ड कारखाने हैं, जहां 20 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियां काम कर रहे हैं। राज्य के कर्मचारियों के सुरक्षा और आरोग्यता के लिए और सभी नियमों का पालन करने का जिम्मेदारी कारखानों और बॉयलर्स का है। अनेक कार्यक्रम, प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों, छोटे चित्र इत्यादि तरीकों का आयोजन करके कर्मचारियों और आम जनताओं को सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आपके सामने प्रस्तुत किया गया ये छोटा चित्र एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कर्मचारियों जिंदाबाद, फैक्ट्री मैनेजर जिंदाबाद, सेफ्टी ऑफिसर जिंदाबाद, सुरक्षा गुरु जिंदाबाद, सेफ्टी मैनेजर जिंदाबाद, सुरक्षा गुरु जिंदाबाद।